आपकी बेटी श्रेया के साथ दुर्घटना हुई है, कब जानकारी हुई? हमको तो अभी जानकारी हुई, रात में करीब 11 बजे हम दुकान पर आए हैं तो हमको पता लगा कि जो है वो बेटी की तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती है। क्या करते हैं आप? दूध बेचते हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे हैं, बच्ची थी वो और 2 बच्चे। वहाँ कब गई थी श्रेया? फरवरी 3-4 महीने गई थी पहले। वहाँ की दिक्कतों के बारे में कभी आपको बताया था? नहीं, दिक्कतों के बारे में बता रही थी कि पानी भर जाता है, क्लास नहीं जा पाते हैं और तो पानी भरता है। और आज हमको सूचना मिली है कि वो बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी, उसमें रेगुलर पानी आता जाता रहता था। कल हमको सुनने में आया है कि वहाँ जो है क्लास चल ही रहा था तभी पानी भर गया, इस वजह से बच्चे निकल नहीं पाए। इलेक्ट्रॉनिक शायद दरवाज़ा था उसमें, वो हमको जानकारी मिली है। तो वहाँ कितनी फीस वगैरह दिए थे आप? 1,65,000 फीस दिए थे, 1,80,000 उनकी डिमांड थी, थोड़ा जो है रियायत किए थे, 1,65,000 फीस दिए थे। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम सबसे बड़ी मांग की है कि ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया जाए, जो बच्चों को हमारे बच्चे हमारा भविष्य है, हमारे भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं पैसा कमाने के लिए। उनको जब बेसमेंट में पानी भरता था बराबर रेगुलर, तो उनको या तो क्लास 1 महीने बंद कर देना चाहिए था या तो दूसरी व्यवस्था देनी चाहिए थे। बच्चों को जान के जोखिम में डाल करके ये लोग क्लास लेते थे, तो बच्चों से जो बात होती थी वो पढ़ने के लालच में या उनको कुछ बनने का शौक था, इसलिए बच्चे उसमें जाते थे, उस व्यवस्था में रहते थे। पार्थिव शरीर कब तक आने की उम्मीद है? अब देखिए, अभी भाई साहब से हमसे बात नहीं, हमसे भाई साहब बात इधर बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको बताना नहीं चाह रहे हैं। इधर उधर आप लोगों के माध्यम से अभी उनको सूचना मिली है, अभी बात करेंगे तब हाजी साहब होगा तो उसकी टीम लगती है। उन्हीं के पास अभी भाई साहब के पास कहाँ वहाँ क्या कैसे हो रहा है, वहाँ जो हुआ है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो है भाई साहब को। श्रेया के साथ कैजुअल्टी हुई है, कब पता चला? हमें सूचना पूरी कंफर्मेशन के साथ नहीं पता चली थी, 12 बजे तक सूचना मिल गई थी कि वो उसमें फंसी हुई है फ्लड में। फिर कंफर्म कब हुआ? कंफर्म 3:30 बजे तक पता चल गया कि उसके साथ कैजुअल्टी हो गई है। किस माध्यम से पता चला आपको? हमारे चाचा के माध्यम से पता चला। चाचा वहीं रहते हैं? चाचा वहीं नहीं रहते, गाजियाबाद रहते हैं। तो उन्होंने पहले उसके निवास स्थान पर गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ अभी आई नहीं है, तो कोचिंग पे गए, कोचिंग पे पता चला कि कुछ बॉडी जो है हॉस्पिटल में गई है RML में, तो वहाँ पता किए तो वहाँ इसका नाम था, तो वहाँ से कंफर्मेशन मिला। श्रेया कब पढ़ने गई थी वहाँ, कितने दिनों से तैयारी कर रही थी? वो अप्रैल में गई थी, अभी BC में बैच ज्वाइन की थी, 2 दिसंबर में उसकी कोचिंग कम्प्लीट भी हो रही थी। इससे पहले पढ़ाई कहाँ की थी? इसके पहले सुल्तानपुर के नाई PHS में BSc एग्रीकल्चर की है। पार्थिव शरीर लेने कोई गया है, कब तक आने की उम्मीद है? चाचा साथ में ही है। कब तक आने की उम्मीद है पार्थिव शरीर? अब PM होगा शायद, PM के बाद पार्थिव शरीर मिलेगी। श्रेया कितने भाई बहन थे? श्रेया 3 लोग हैं, 2 भाई एक बहन है, तो हम 3 लोग थे। आप बड़े भाई? हम बड़े हैं। श्रेया के पिताजी क्या करते हैं? वो डेयरी चलाते हैं अपना, बस कर रहे हैं। क्या मांग करेंगे सरकार से?
हिसाब से जो उचित होगा सरकार अपने हिसाब से देख ले। अब हम क्या बोले, इस समय बोलने की स्थिति में नहीं है, क्या करें। क्या नाम आपका? अभिषेक। आए हैं श्रेया के घर जी। कब, क्या, कैसे, क्या हुआ, क्या जानकारी? सुबह सूचना मिली कि हमारे अम्बेडकर नगर जनपद की छात्रा जो दिल्ली में रात में घटना हुई थी उसमें उसका देहांत हो गया, तो उसी के संदर्भ में जिला प्रशासन और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि उसके समस्या को उसको देख जान सकें। यहाँ आने पर सारी बात पता चली कि वो अपने परिवार की एक होनहार छात्रा थी जो दिल्ली में IAS कोचिंग करने के लिए अप्रैल में गई थी। अब पूरी घटना कैसे हुई है, चूँकि दिल्ली घटना कल है, ये वहाँ से ही पता चलेगा। शासन स्तर से हम इसे रिपोर्ट मांगी जा रही है, हम अपनी रिपोर्ट तैयार करके तत्काल भेज रहे हैं। श्रेया से आपकी कब बात हुई थी? हमारी उससे दो तीन दिन पहले भी बात हुई थी और 26 तारीख को भी बात हुई थी। क्या कह रही थी? वो यही बोल रही थी कि अभी ऑप्शनल का उसका कोचिंग बच रहा था, तो उसमें बता रही थी कि मेरा दिसंबर में कंप्लीट होने वाला है। तो मैं उससे बोला कि जब ऑप्शनल का कोचिंग लेना है तो अब वहाँ नहीं रहना है, हम लोग को दिल्ली नहीं रहना है, हम तीनों लोग शिफ्ट होंगे लखनऊ। तो ऑप्शनल की जो कोचिंग होगी वो हम लोग विजन से लेने के लिए सोच रहे थे, इसलिए बातचीत हुई थी। क्या इससे पहले भी ये चर्चा हुई थी कि बेसमेंट में पानी भरता है? उससे पहले उन्होंने मेरे पास वीडियो भी भेजा था कि देखो मेरे कोचिंग में पानी भर गया है, तो उस दिन छुट्टी हो जाती थी। तो बोलती थी कि जब कोचिंग में पानी भरता है तो मैसेज आ जाता, तो उस दिन छुट्टी रहती थी। तो इसके पहले जो पानी उसमें जल भरा होता था वो बच्चे आने से पहले हो जाता था, तो इसलिए उस दिन छुट्टी करके बच्चे सेफ हो जाते थे। ऐसा है, इन्होंने 5-6 बार ऐसे कर चुके हैं पहले भी, उसमें जल भरा हो जाता तो उसके बाद छुट्टी कर देते थे। इस श्रेया तो अभी अप्रैल में गई थी, दो महीना हुआ, दो महीने में 5-6 बार घटना हो गई। इसी महीने में 5-6 बार घटना हुई, जुलाई में ही। पानी भरने का सिलसिला वहाँ जारी रहता था। अभी हमारे से जब 26 तारीख को बात हुई तो 26 तारीख को भी पानी भरा था, उसमें छुट्टी कर दी थी। उससे 2-3 दिन पहले भी पानी भरा था, इसी जुलाई में लगभग 5-6 बार उसमें लाइब्रेरी में पानी भर चुका था। तो कोचिंग संस्थान में आप लोगों ने कितनी फीस दिया था टोटल? इस कोचिंग संस्थान में हम लोगों ने 1,65,000 फीस दिया था, उनकी डिमांड 1,80,000 की थी। फीस कब जमा किया आपने? अभी हमने मंगलवार को पूरी फीस उसकी क्लियर की है कोचिंग की। क्या मांग करेंगे सरकार से इतनी लापरवाही से? सरकार से यही मांग करेंगे, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, कल को उनका भी बच्चा ऐसा कोचिंग में जाता है, अगर वो इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं तो कल को उनका बच्चा भी जाएगा, उनकी भी बेटी जाएगी, हो सकता है उनका भाई बहन भी जाए। तो हम यही आशा करेंगे कि ऐसे लोगों को वो ना दे, रहने के लिए आसाना ना दे, इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि हो सकता है ये घटना उनके साथ भी घट सकती है।